Hi everybody! Being your most genuine self, genuine self will attract great things to you. It truly works. Today is 7th of October 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in the morning we are having five such multiple choice questions. Join. This is quiz number one five three crops. Which state is the largest silk producing state? The answer is Karnataka. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ बराक वैली बराक वैली इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया द आंसर इज जूट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया द आंसर इज असम विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया द आंसर इज आंध्र प्रदेश वॉट इज ग्रीन गोल्ड द आंसर इज टी तो ये आंसर्स हैं येस्टडेज क्वेश्चन के आज के सवाल हैं द ओनली स्टेट विच प्रोड्यूस

मेक और गिव अ कॉमिकली एक्सरेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समेड अपड का मतलब होता है जुड़ा हुआ ज्वाइन टू अस क्वालिटी फ्रेल है इसका मतलब है निर्बल है द कंडीशन ऑफ बींगीक एंड डेलीकेट इमेटोर का मतलब है इजाजत एंड एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज सेटिस्फैक्ट्री अप्रूवल टैड

सो so, ये दो सवाल हैं आज के लिए आज का सोशल मीडिया अपडेट है नोसी दिस इज प्रचंड दिस हेलीकॉप्टर इज प्रचंड दिस इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आगे इसको और डिटेल में इसकी जो कॉम्बैट प्रोवेस है उसको हम समझेंगे अब बिग बूस्ट टू इंडियन एयरफोर्स इज कॉम्बैट प्रोवेस कॉम्बैट प्रोवेस ये फर्स्ट है फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है द ऑनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ सिक्सटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फीट मीन्स इसको हम सियाचिन ग्लेशियर से भी अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं इस हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट हमें समझ में आई थी जब नाइनटीन नाइनटी नाइन में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ये पॉपुलेशन है वर्ल्चर्स का वर्ल्चर्स की स्पीशीज भी डिक्लाइन हो रही थी देन प्रोजेक्ट वर्ल्चर वर्ल्चर कंजर्वेशन सो दिस इज वर्ल्चर देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया में दिस स्पीशीज इज स्नो लेपर्ड। इसको बोलते हैं माउंटेन घोस्ट द ग्रेट जोग्राफिकल रेंज कॉम्प्राइजेज लार्ज पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय जिसमें जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल लद्दाख ये सब है इस स्नो लेपर्ड की रेंज में ये वाइल्ड लाइफ वीक क्विज 2022 है विच इज द द ओनली ओनली इज दिप फाउंड इन इंडिया सो आपको बताना है इनमें से कौन सा एप इंडिया में मिलता है दिस इज नाट्य नाट्य शास्त्र शास्त्र मेन सोर्स है इंडिया के क्लासिकल डांसेस का आपको बताना है नाट्य शास्त्र किन्ने लिखा है ये तीन ऑप्शन है नाट्य शास्त्र किन्ने लिखा है इंडिया में हम बोलते हैं अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव इनक्रेडिबल जंप है फॉरेन टूरिस्ट अराइवल में इन इंडिया ओवर ईयर टॉप फाइव कंट्रीज हैं यूएसए यूएसए से सबसे ज्यादा टूरिस्ट हैं देन यूके बांग्लादेश देन कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया सो दिस इज अतिथि देवो भवा टूरिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता है बिकॉज इसमें लार्ज लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉसिबल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और जो वेल्थ क्रिएशन टूरिज्म सेक्टर से होता है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट भी होता है डिस्ट्रीब्यूट भी होता है सो दैट इज़ वाई टूरिज्म जो एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर भी है इंडिया का टूरिज्म को हम हमेशा इंकरेज करने की कोशिश करते हैं टूरिज्म इज़ गुड आप ये बताओ अगर फॉरेनर फॉर एग्जाम्पल ये यूएसए का एक पर्सन इंडिया में आके बहुत सारी शॉपिंग करता है एक्सपेंडिचर्स करता है तो वो किस कंट्री की जीडीपी में काउंट होगा इंडिया की या फिर यूएसए की और किस कंट्री की जीएनपी में काउंट होगा इंडिया की या फिर यूएसए की आंसर सो so, ये सवाल है आज के लिए ये द हिंदू है और ये इंडियन एक्सप्रेस है अवर रेफरेंस मटेरियल पॉलिटी क्लास आज भी कंटिन्यू रहेगी आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टू इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी को ट्रेस कर लिया है 1773 टू 1947 आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी इसका कंपोजिशन क्या था देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से वर्क करती थी राजेंद्र प्रसाद साहब सचिदानंद सिन्हा साहब इनके बारे में जानेंगे डिफरेंट कॉमिटीज इसमें क्या बनी थी और फिर इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और वेरियस ही साथ हम क्रिटिसिजम भी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे Indian constitution के. ये सब बहुत हाई एल्डिंग टॉपिक्स है और हर एग्जाम में हर एग्जाम में इससे सवाल आता है टू ज्वाइन द कोर्स यू कैन विजिट टू स्रजन इंडिया डॉट वन ऑल यू है पॉलिटी इज अंडर दिस प्रिलिम्स 2023 कोर्स इसमें पॉलिटी ही नहीं और भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर्ड है राउंड वन ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया है राउंड टू आफ्टर सम टाइम करेंगे इफ़ यू आर जॉइनिंग लेट तो जो प्रीवियस वीडियोस है वो भी आपको अवेलेबल नोट्स एंड वीडियोस हो जाएगा और कुछ हम रिविजन क्लासेस भी करेंगे सेकेंड आंसर राइटिंग का आज डिस्कशन करेंगे हम थर्ड ऑफ अक्टूबर टू ये दो सवाल थे टूवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो वी विल टॉक अबाउट इट सी कितने सारे सबमिशन और इतने अच्छे आंसर्स हैं वी आर नैवर अबाउट नंबर वी वर नेवर अबाउट नंबर सिंस बिगनिंग वी वर वेरी क्लियर वी डू नॉट वॉन्ट नंबर वी वॉन्ट रियल स्टूडेंट्स वी वॉन्ट रियल स्टूडेंट्स और उस एक चीज में स्रजन इंडिया वन बहुत अच्छा से परफॉर्म किया है हमने सो द काइंड ऑफ लाइक जो हमारा जो स्टूडेंट्स हैं देर रियली गुड तो आप इसको इंटरैक्ट करो पार्टिसिपेट करो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा एंड यू विल लर्न अ लॉट दिस पियर लर्निंग इज रियली रियली गुड ओके नाउ हिंदू न्यूज़पेपर सो फर्स्ट न्यूज है, 23, तो, है. ने बोला फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में इंडिया का जो ग्रोथ रेट होगा वो साढ़े छह प्रतिशत होगा इकोनॉमी सात प्रतिशत भी हो सकता है फिस्कल ईयर में ये प्रोडिक्शन है इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए प्रडिक्शन चेंज हो जाते हैं वर्ल्ड बैंक ने ट्रिम कर दिया है मतलब कम कर दिया है इंडिया का दिस प्रोजेक्शन पहले करीब 8.7 था बट वो कम हो गया सो दैट इज बाई नंबर्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए ये समझना चाहिए कि इसके रीजंस क्या है चैलेंजेस क्या है हेडविंड्स क्या है टेलविंड्स क्या है तो परसिस्टेंट प्रेशर है इंडियन इकोनमी में सेवन परसेंट का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये बुक है इकोनॉमिक फोकस में इस बार का थीम है कोपिंग विद शॉर्स बिकॉज इकोनोमी को बहुत शॉक्स लग रहे हैं कोपिंग विद शॉर्स माइग्रेशन इंड द रोड टू रिजिलियंस रिजिलियंस होना जरूरी है सो दिस इज द थीम ये जितने भी वर्ड्स आते हैं ना थीम्स आते हैं इनको एक नोट करके हमें याद रखना चाहिए और जहाँ हमें मौका मिले हेडिंग सब हेडिंग ये जो पंच लाइन्स हैं हम इनको यूज कर सकते हैं इससे लैंग्वेज बहुत रिफाइन होती है कोपिंग विद शॉक्स माइग्रेशन इन द रोड टू रेजिलियंस तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एनुअल मीटिंग में ये बात हुआ अभी प्रॉब्लम्स क्या हैं श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस डिवास्टेशन हुआ अभी फ्लड्स पाकिस्तान में रिकवरी हो रहा है पेंडेमिक इंपैक्टेड बाय द वॉर इन यूक्रेन और कोविड-19 का भी अभी भी हैंगओवर है यह सब हैं हेडविंड्स यह सारे हैं चैलेंजेस दैट इज व्हाई दिस ग्रोथ प्रोजेक्शन थोड़ा यहां पे हो गया है ओके सो अगेन हमें इसके कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा ध्यान देना चाहिए बिकॉज वी डोंट नो अभी यूक्रेन क्राइसिस इज नॉट ओवर कोविड नाइनटीन इज स्टिल नॉट ओवर श्रीलंका अभी भी क्राइसिस में सो द आइडिया इज जस्ट फोकस ऑन द बैकग्राउंड दैट्स ऑल स्टेटमेंट्स ड्रॉ नहीं करने हैं कॉन्क्लूजन ड्रॉ नहीं करने हैं देन लिटरेचर का नोबेल भी हो गया बस ये नोबेल पूरा कंप्लीट होते ही हम इसको अच्छे से वन स्टैंड अलोन वीडियो में वन स्टैंड अलोन आर्टिकल में पूरा कवर कर लेंगे इससे टाइम सेव होता है एनर्जी सेव होती है वरना रिपीटेशन बहुत होता है और डेली बेसिस में फिर सस्टेन करना डिफिकल्ट हो जाता है और फिर इट इज़ नॉट लाइक कि हमको दिन भर केवल न्यूज ही देखना है या फिर हमें करंट अफेयर्स ही देखना है यू हैव टू बी लाइक अदर कोर सब्जेक्ट्स भी आपको देखना है सो दैट इज़ वाई इसको स्मार्टली ही कवर करना चाहिए अब ये लिटरेचर का नोबेल है एनी को मिला है आप फ्रेंच ऑथर हैं एंड आप बहुत सिंपल नॉवेल्स लिखते हैं डिसेप्टिवली सिंपल नॉवेल्स बिकॉज सिंपल्सिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन जितना आप प्रोग्रेस करेंगे जितना ही ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे आप स्टार्ट यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग सिंपलिसिटी दिस हैपन्स सो द आइडिया इज डिसेप्टिवली सिंपल नॉवेल्स हैं ड्रॉइंग ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसिस ऑफ क्लास एंड जेंडर और आपको नोबेल प्राइज यहां पे मिला है so, किताबें पढ़ाई जाती है, काफी है, so, आपको मिला है। Then, और यहाँ पे कुछ केसेस हो गए हैं लाइफ लॉस भी हुआ है बच्चों का इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है यू एन काउंसिल्स रिजेक्ट डिबेट ऑन झिजियांग जिंजियांग प्रोविंस है तिब्बत के ऊपर यहां पे इंडिया के पास में दिस प्रोविंस ऑफ चाइना अब यहाँ पर रहते हैं युगुर मुस्लिम्स और चाइना की तो स्टेट पॉलिसी ही है कि रिलीजन को वो मानते नहीं है एंड जो रिलीजन को मानते हैं उनको चाइना पे ब्रेन वॉश एंड देन स्कूलिंग एट्सट्रा करके उनको चाइना चाइनीज फिलासफ़ी में रीओरिएंट करने की कोशिश होती है और यहाँ पर दिस ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी होता है तो यू ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने दिस वोटेड अगेंस्ट होल्डिंग अ डिबेट ऑन अलीज अब्यूज इज़ इन चाइनाज शिनजियांग रीजन सो लेटस सी वैसे इंडिया ने भी यहाँ से एबस्टेन कर दिया है लेटस सी ऑफिशियल स्टैंड क्या होता है सो दिस इज शिंजिया देन दिस इज रेड अलर्ट और यहाँ पर रेड रोब्स में डिवोटीज हैं दुर्ग घाट कृष्णा रिवर विजयवाड़ा में सो so, यहाँ पे दिस कलमिनेशन ऑफ दीक्षा इंदिरा किलाद्री इंदिरा किलाद्री गॉडेस अबोर्ड ऑफ द गॉडेस है ये और यहाँ पे डिप है कृष्णा रिवर पे सो दिस इज रिचुअल दीज आर रिचुअल्स सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू देन दिस इज मेट्रो प्लस ये लुकअप है अब ये क्या है स्काई ग्रेजिंग है स्काई ग्रेजिंग स्काई गेजिंग स्काई गेजिंग स्काई गेजिंग मतलब जैसे आपको मैंने बताया था एस्ट्रोलॉजी होता है एस्ट्रोलॉजी होता है और एक होता है एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी तो जब हम स्टार्स को ऐसे देख रहे हैं स्काई गेजिंग कर रहे हैं स्टार्स को देख रहे हैं गेज मतलब नजर सो दिस इज एस्ट्रोनॉमी 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 में पॉल्यूशन लाइट पॉल्यूशन कम होना चाहिए और थोड़ा एलिवेटेड हाइट हो तो बेटर इनसाइट्स मिलते हैं और ये परफेक्ट यहाँ पर जो सिस्टम बनता है वो बनता है लद्दाख में लद्दाख में तो ये हैंनले इन लद्दाख ये इंडिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व बनेगा और यहाँ पे स्टार गेजिंग एंड एस्ट्रो टूरिज्म होगा अब देखो एक नया वर्ड आ गया एस्ट्रो टूरिज्म एस्ट्रो टूरिज्म लद्दाख वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल है एंड दिस इज लुका एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है डोंट ल्योर परसुए अपसी बड़ा अच्छा टेक है इसमें जो बात चल रही है फ्रीबीज का पोल प्रोमिस का और इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट का फिजकल रैशनल फॉर पोल प्रोमिस टू इलेक्टोरल कैंपेन ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम न्यूज को ग्रेजुअली पढ़े अब जैसे आज ये एडिटोरियल आया है बड़ा अच्छा टेक है इस एडिटोरियल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज़ प्रपोजल टू रिक्वायर पॉलिटिकल पार्टीज टू डिसक्लोज द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रोमिस दे मेक इन देयर मैनिफेस्टो विल एड मीनिंग एंड डेप टू इलेक्टोरल कैंपेन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि आप जितने भी मैनिफेस्टो में प्रामिसज करते हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए कि उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कैसे होगा उन चीज़ों को आप वर्कआउट कैसे करोगे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है जो न्यू ज्वाइनीस होते हैं कि हम इतना रीडिंग क्यों करते हैं रीडिंग मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज दिस एग्जाम इज अबाउट रीडिंग दिस एग्जाम इज अबाउट राइटिंग एक्चुअली क्या होता है हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए समझने के लिए इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर देते हैं हमें समझ में तो आता है बट हम लिख नहीं पाते ये चीज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में मैं ये देखता हूँ इफ यू वॉन्ट टू टेक अ चैलेंज आपको जो भी टॉपिक आता है उसको फॉर्मल लैंग्वेज में एक पैराग्राफ आप लिख के बता दो लिख के बता दो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं लैंग्वेज में इतना ज्यादा आपको जोर डालने को क्यों बोलता हूं आपको इंटरव्यू में बोलना है यू विल नॉट टॉक अबाउट लाइक अननेसेसरी हम हम अननेसेसरी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं या फिर अननेसेसरी ट इन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल दे रहे ये चीज वर्क नहीं करता है काइंड ऑफ एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेरिंग दिस इज द रीजन एनसीआर को भी मैंने इतना नॉन डिस्टॉटेड मैनर में पढ़ा है नॉन डिस्टोर्टेड इट इज नॉट अबाउट सिंप्लीफिकेशन इट इज अबाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट द वे इट इज द वे इट इज नॉट डिस्टोर्टेड कॉन्सेप्ट ओके तो ये ऐसे पढ़ना आपको हेल्प करेगा स्पेशली फॉर दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अब देखो द आइडिया दैट पार्टीज शुड कॉम्युनिकेट टू इलेक्टर्स द फिजिकल रैशनल प्रोमिसिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट वुड इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट आउट गो फ्रॉम द एक्सचेकर इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द मॉडल कंडक्ट कोड फ्रॉम टू थाउजेंड फिफ्टीन सो द आइडिया इज अगेन जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है एक डॉक्यूमेंट है एक प्रोसीजर है जिसमें चुनाव के वक्त जो चुनाव पार्टियां लड़ रही है उनको एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर कंडक्ट मेंटेन करना चाहिए मॉडल कोड उनको रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी जांच भी करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन भी लेता है सो द आइडिया इज ये जो आप अनाउंसमेंट कर देते हो जस्ट जब जब आपके चुनाव होने वाले हैं विदाउट कंसिडरिंग इन विदाउट फैक्टरिंग इन की ये प्रोमिस कैसे फुलफिल होंगे इसका इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे होगा क्या ये प्लॉजिबल है भी या नहीं है इसके लिए जो प्रोमिसज ऐसे होते हैं उस पर भी एक चेक जरूरी है तो ईसीआई इसीलिए प्रपोज कर रहा है कि आप डिस्कलोज करो यू वॉन्ट टू गिव दिस प्रोमिस डू इट बट एक्सप्लेन हाउ और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सो स्पेल आउट द सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट अ पर्टिकुलर प्रोमिस इज टारगेटेड एट The extent of coverage क्या होगा? ये नहीं कि हम ऑनलाइन सेल की तरह लिमिटेड हजार रखा है और उसके लिए हमने अनाउंसमेंट कर दिया बट अगेन जैसे ही लिमिटेड वो क्वांटिटी ओवर हुआ प्राइस राइज हो गया नो no. उसका एक्सटेंट क्या होगा कितने लोग कवर होंगे बेनिफिशियरी क्या होगा और उसका कॉस्ट क्या होगा उसको इम्प्लीमेंट करने का दे मस्ट ऑल्सो स्पेल आउट हाउ द रिक्वायर्ड रिसोर्स विल बी रेज पैसा कहाँ से आएगा ये काम करने के लिए सो द आइडिया इज ये चीजें एक्सप्लेन होना चाहिए लाइबिलिटीज एक्सप्लेन करें इन्फॉर्मेशन जो है विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क अंडर विच अ मैनिफेस्टो कैन बी असेस्ड बाय द वोटर बिकॉज वोटर भी जान पाएं कि ऑल राइट right, ये फ्री मिल रहा है बट इस फ्री को देने के चक्कर में हमारे को इतना नुकसान हो रहा है फ्रॉम सम अदर प्लेसेज बिकॉज मनी तो कॉन्स्टेंट है फिक्सड है लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है इधर फ्री भी मिलने के लिए आपको बाकी किस जगह पे नुकसान हो रहा है ये भी वोटर को इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए जानना जरूरी है परस्पेक्टिव ऑफ इट्स फाइनेंशियल वायबिलिटी सो इलेक्शन कमीशन का ये स्टैंड है जो इन अ वे करेक्ट भी है बट इसमें कुछ लिमिटेशन भी है देर इज बाउंड टू बी सममेंट अमंग सेक्शन ऑफ द पोलिटिकल क्लास ये आर्ग्यू हो सकता है कि ये ई का मैंडेट नहीं है कि निटीग्रिटी देखना मैनिफेस्टो फॉर्मुलेशन का प्लस जो इम्प्लीमेंटेशन होगा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी कैसे डिलीवर होगा वगैरह ये ईसीआई का रोल नहीं है दिस इज नॉट द रोल ऑफ ईसीआई इसके लिए फाइनेंशियल कमीशन है देर आर अदर इंस्टीट्यूशन सो द आइडिया इज इट वॉज हेल्ड दैट सच अ प्रोमिस वुड नॉट अमाउंट टू अ करप्ट प्रैक्टिस एक्चुअली टू में भी एक केस आया था कि जो इलेक्शन के टाइम पे ऐसे अनाउंसमेंट्स हो जाते हैं वो करप्ट प्रैक्टिस तो नहीं है ये कहीं ब्राइब तो नहीं कर रहे हैं वोटर्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको हम दिस ब्राइबरी या करप्ट प्रैक्टिस नहीं बोल सकते फाइनेंस बाय बजेटरी अलोकेशन है नियम के हिसाब से है तो ये फ्रीबीज अनाउंसमेंट इज जायज अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट अब द आइडिया इज ई बोल रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस फ्रीबीज ऑल वी वॉन्ट इज इस फ्रीबी के साथ आप डिटेल्ड एनक्लोजर लगाओ कि ये कैसे फुलफिल होगा किस स्केल पे फुलफिल होगा पैसा कहाँ से आएगा कॉस्ट क्या रहेगी लाइक दैट डिटेल्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर दो इससे इन्फॉर्म्ड वोटर चॉइसेस होगा इन्फॉर्म्ड वोटर चॉइसेस होगा कि आपको जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है बट एट व्हाट कॉस्ट ऐसा तो नहीं कि जो दूसरी सर्विसेज आपको मिलती थी वो अब बंद हो जाएगी बिकॉज ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करने में सारा पैसा इधर आ गया इन्फॉर्म्ड वोटर चॉइसेस होना चाहिए राइवल पार्टीज आर लाइकली टू सब्जेक्ट मैनिफेस्टो टू इंटेंस स्क्रूटिनी होना चाहिए इट मे ऑल्सो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कशन हो पार्टी यहाँ पे डिस्कस करे ओपन डिबेट्स हो पब्लिक डिस्कोर्स में हो सो दिस विल हेल्प लॉट डोंट ल्योर परसुए लॉजिकल इन्फॉर्म डिसीजन वहां पे ताकि वोटर्स ले पाए ये नोबेल प्राइज है गिवन फॉर एस्टेब्लिशिंग वॉट वॉज वन सीन एज मेटा फिजिकल अभी ये पूरा कंप्लीट होने देते हैं नोबेल प्राइज विल सी डोमेस्टिक आइडियोलॉजीज इन एक्सटर्नल सेटिंग इसमें थोड़ा पॉलिटिकल अंडरटोन भी है बट ओवरऑल थीम ऑफ दिस आर्टिकल इज कई बार क्या होता है कि हमारी एक डोमेस्टिक ऑडियंस होती है डोमेस्टिक ऑडियंस मतलब वो होती है इंटरनल पॉलिटिक्स इस इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण हमें इंटरनेशनल एक डिसीजनस लेने पड़ते हैं इंटरनेशनल रेस्पॉन्स लेने पड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल वेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान पाकिस्तान में ये नैरेटिव चलता है कि इंडिया इज़ अ लाइक बिग थ्रेट एट्सेट्रा और इस थ्रेट के बेसिस पे चुनाव में वोट लिए जाते हैं सिमिलरली जैसे अभी चाइना है चाइना में अगेन मिस्टर शी जिनपिंग पॉलिसी एंड ऑल सो द आइडिया इज़ बहुत सारी जो पॉलिसीज़ होती है वो कंट्री को पता है कि इंटरनेशनल फुटिंग में इट इज़ नॉट राइट बट दे विल डू दैट बिकॉज दे हैव ट द इंटरनल डोमेस्टिक ऑडियंस डोमेस्टिक ऑडियंस एक नेगरटिव है जो बिलीव सिस्टम है दैट और ये डोमेस्टिक आइडियोलॉजी एक्सटर्नल सेटिंग में भी इम्पैक्ट देने लगती है और फिर कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशंस में डिफिकल्टी आती है यहाँ लिखा है स्ट्रेंदन करें सी एस आर फ्रेमवर्क एक प्रॉफिटेबल दिस आइडिया है इस आर्टिकल को हम इन डेप्थ हम देखते हैं और आज हम सी एस आर कवर कर लेते हैं तो वॉट इज सी एस आर सी एस आर का फुल फॉर्म होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉरपोरेट मतलब कंपनीज समाज में कंपनीज बिजनेस करती है समाज से ही पैसा आता है तो समाज के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी है आप बहुत पैसा कमा रहे हो आपके पास पैसा आ रहा है तो वो इन अ वे वापस री राउट करो आप कम्युनिटी को री राउट करो सोसाइटी को सो so देट अगर सोसाइटी होगी तभी तो बिजनेस होगा सो दिस इज सी एस आर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब है कॉर्पोरेशन ऑपरेटिंग विद इन सोसाइटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए सोसाइटी में कंपनी एक्ट 2013 है लैंडमार्क लेजिस्लेशन था और इसने मैंडेटरी कर दिया था और क्वांटिफाई कर दिया था सी एस आर एक्सपेंडिचर सारे कॉर्पोरेट को करना है जो कंडीशन मेट कर रहे हैं और कितना करना है मैंडेटरी एंड क्वांटिफाई किया है रुण. इंक्लूजन ऑफ सी एस आर गवर्नमेंट कांगेजने सेक्शन सारी कॉरपोरेट को सी एस आर देना है ऐसा नहीं की सबको देना है वो ही कॉर्पोरेट सी एस आर देंगे जिनका नेटवर्थ पांच सौ करोड़ है टर्न ओवर हजार करोड़ है और नेट प्रोफिट पांच करोड़ है यहाँ तीन इकोनॉमी के की वर्ड यूज हुए हैं नेटवर्थ टर्नओवर और नेट प्रॉफिट क्या आप इन तीनों कीवर्ड्स के मीनिंग बता सकते हो नेटवर्थ का मतलब क्या होता है टर्नओवर का मतलब क्या होता है और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है देन इसके बाद कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया और इसमें यह था कि तीन फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे हम बिफोर कंप्लीशन ऑफ थ्री फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल होगा दो प्रतिशत देयर एवरेज नेट प्रॉफिट जो इमीडिएटली तीन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हुआ है वो आपको सीएसआर में डालना है तो जिन्होंने तीन कंप्लीट नहीं किया है वो नेट प्रॉफिट जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का है वो फैक्टर इन कर सकते हैं और कुछ सत्रह एक्टिविटीज़ हैं जो शेड्यूल दिस सेवेंटी सेवेंथ ऑफ द एक्ट में लिखा हुआ है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल बिजनेस फिलासफी लाना द होल आइडिया इज कॉरपोरेट्स केवल फॉर प्रॉफिट नहीं हो कॉरपोरेट्स जो है वो दिस टूवर्ड्स सोसाइटी भी अपनी जिम्मेदारी समझे और इसीलिए आता है ट्रस्टीशिप का फिलोसफी ट्रस्टीशिप मतलब ये गांधीन फिलोसफी फी भी है इसमें ये होता है कि जो वेल्दी पीपल है या जो बिग बिग जॉइंट कॉर्पोरेट्स हैं दे एक्ट लाइक अ कस्टोडियन दे एक्ट लाइक अ कस्टोडियन कि वो इतना पैसा कमा रहे हैं बट वो पैसा इन अ वे सोसाइटी का ही है वो अपना ऑपरेशन कॉस्ट निकाल लें प्रॉफिट्स निकाल लें सर्टेन रनिंग कॉस्ट निकाल लें बिजनेस करने का बिकॉज बिजनेस करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है इसके बाद जो बच रहा है वो ट्राई करे कि वी शुड अगेन गिव इट बैक टू द सोसाइटी गिव इट बैक टू द सोसाइटी तो ये होता है सोशो इकोनॉमिक फिलोसफी दैट वॉज प्रपाउंडेड बाय गांधी जी तो द आइडिया इज की ट्रस्ट लुक आफ्टर करे वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल और ट्राई टू गिव इट बैक ट्राई टू गिव इट बैक ट्रस्टीशिप इज अ सोशो इकोनमिक फिलोसफी दैट वॉज प्रपोड बाई गांधी जी इसका मतलब था कि आप जो बिजनेस कर रहे हो पैसा आ भी रहे वो अगेन आपको यू शुड एक्ट लाइक अ केयर टेकर यू शुड एक्ट लाइक अ केयर टेकर और यू शुड गिव इट बैक टू द सोसाइटी टू द पीपल अगेन अभी कॉम्युनिटी बेनिफिट प्रोजेक्ट आया फिर सेकेंड ईआर सी की नाइन्थ रिपोर्ट में भी लिखा था कि कॉर्पोरेट जो एंटीटीज हैं वो लोकल गवर्नमेंट कंपनी म्यूचुअल कंसल्टेशन से काम करेगी फॉर एग्जाम्पल सरकार ने एक वाटर दिस का प्लांट लगा दिया और सी एस आर से कंपनी भी वाटर का प्लांट लगा रही है तो ये तो डुप्लीकेशन हो गया तो वाई नॉट गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट्स टॉक करें डिस्कस करें कुछ वर्क गवर्नमेंट कर देगी कुछ वर्क कॉरपोरेट कर देगा और दिस विल अगेन बी गुड डुप्लीकेशन नहीं होगा ओवरलैपिंग नहीं होगा तो ये चीज़ कहा था बेटर सी एस आर को यूज करने के लिए प्लस एनवायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे सी एस आर को प्राइमरली वर्क करना चाहिए अब सी एस आर एक्टिविटीज़ लोकल एरियाज़ में हो है ना मैंडेटरी कर दिया वहाँ पे जैसे किस जगह पे जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑल और, और दिस माइनिंग एक्सेट्रा में ये से उड़ीसा में वर्क कर रही है वहां पर बिकॉज ऑफ माइनिंग जो प्रॉब्लम आया चैलेंजेस होते हैं बिकॉज एन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी हो रहा है एंड लोकल जो कम्युनिटी है उनको भी रिक्वायरमेंट है वो अब वहां पर हॉस्पिटल्स ओपन करें वहां पे स्कूल्स ओपन करें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करें लोकल एरिया को फुलफिल करें उनकी डिमांड्स शेड्यूल जो सेवन है इसमें बताया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम देखें सीनियर सिटीजन वेलफेयर डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड करें देन गवर्नमेंट सेंट्रल फंड से भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है अनस्पेंड सी एस आर फंड लाइंग विद द कंपनी बियॉन्ड द प्रपोज थ्री टू फाइव ईयर लिमिट ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है जैसे मार्च रश आता है मार्च में फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो पैसा खर्च नहीं हुआ वो लैप्स हो जाता है फिर वो नेक्स्ट ईयर में नया फंड लाना पड़ता है गवर्नमेंट में ऐसा होता है गवर्नमेंट वर्क में तो आप ये बताओ सी एस आर फंड जो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए डेडिकेटेड था अलॉटेड था वो उस फाइनेंशियल ईयर में खत्म नहीं हुआ तो क्या ये रोल ओवर होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए फ्रेश इनिशिएट करने पड़ेंगे आंसर फिर प्रॉब्लम आती है कई बार सी रिपोर्ट नहीं होता डिस्क्लोज़ नहीं होता सी का ऑडिट होना चाहिए ऑडिट मतलब जांच हो जो काम हुआ है अच्छा काम है या नहीं है सोशल इम्पैक्ट करे बिकॉज यू नो प्रॉफ़िट इज़ नॉट अबाउट कि आपने कितना पैसा कमाया दिस इज़ नॉट बिजनेस बिजनेस इज़ नॉट अबाउट आपने कितना पैसा कमाया बिजनेस इज अबाउट आपने कितनी वेल्थ क्रिएट किया कितने लोगों को एम्पावर किया कितनी लाइफ को इन अ पॉजिटिव मैनर आपने टच किया दिस इज बिजनेस दिस इज़ बिजनेस सो टैक्स बेनिफिट्स करो सी एस आर एक्टिविटीज़ में और असेसमेंट्स भी करो ऐसे कुछ इन्होंने बोले ताकि सी एस आर को हम बेटर वे में मैनेज कर पाए अब जैसे डाबर का है टाटा काफी जाना जाता है अपने सी एस आर वर्क के लिए डाबर इंडिया दिस इज डाबर इंडिया डाबर इंडिया ने वाटर कंजर्वेशन हार्वेस्टिंग के ऐसे प्लांट्स लगाए राजस्थान में बारह सौ फार्मर फैमिली को फायदा हुआ दिस इज गुड टाटा स्टील ने झारखंड में दिस न्यू नटाल मोर्टैलिटी ज़्यादा थी तो यहाँ उसने टाटा स्टील ने हेल्थ केयर सर्विसेज में कॉन्ट्रीब्यूट किया टोईटा का अगर हम एग्जाम्पल दें तो ग्रीन मी प्रोजेक्ट है कंपनी ने लॉन्च किया थर्टी फाइव गवर्नमेंट स्कूल्स में एनवायरमेंटल लर्निंग करिकुलम एजुकेशन में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया सो दिस इज़ हाउ वी शुड वर्क दिस इज़ हाउ वी शुड वर्क दिस इज़ हाउ वी शुड वर्क फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ़ यू आर से हमने ये प्रेलम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कोर्स किया यू you नो know, एक फाइनेंशियल रिसोर्स जनरेट करना जरूरी था बिकॉज वी केन नॉट एंटायरली डिपेंड ऑन दिज एड्स वेबसाइट ऑलरेडी एड फ्री है और यूट्यूब में भी लिमिटेड एड्स ही द प्रॉब्लम की इफ यू वॉन्ट टू प्रोवाइड मोर सर्विसेज यू आर गोइंग टू नीड मनी सो देट इज वाई एक नॉमिनल फी है दिस इज अ वेरी नॉमिनल फी डिडेड बाई थ्री सिक्सटी फाइव दिस इज वेरी वेरी लेस एवरी बडी कैन अफोर्ड इट सो इट अगेन्स मेक अ गुड हैबिट वेन वी मेक इट फाइनेंशियली फाइनेंशियली वाइबल इकोनॉमिकली वाइबल अब द पॉइंट इज कि ये जो फी है इससे हम इस तरीके से वर्क करें कि मैग्जिम जो भी रिक्वायरमेंट है एग्जाम प्रिपरेशन की वो वापस आपके पास आए लौट के वापस आए मल्टी टाइम्स मल्टीप्लाइड वो वाप, वापस आपके पास आए दीज आर द वैल्यू सिस्टम दीज दिस इज़ द डायरेक्शन इन विच वी आर वर्किंग ओके सो अगेन ये चीज़ होना चाहिए कि आप में एक रेस्पांसिबिलिटी है आप में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी अपने से बिजनेस किया है वो चीज वापस मल्टीफोल्ड मल्टीप्लाई होके गिव इट बैक टू द सोसाइटी सो इज इट टाइम फॉर द गिग इकोनॉमी गिग इकोनॉमी क्या होता है जैसे अभी एक वर्ड चल रहा है काफी पॉपुलर मून लाइटिंग सम पीपल वर्क कोई आपने जॉब किया एम्प्लॉयमेंट किया और वहां पे आपने देखा कि आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम भी मिल रहा है और प्लस यू आर एम्बिशियस आप ज्यादा काम में केपेबल हैं और भी काम करना चाहते हैं तो व्हाट पीपल डू कि वो इस जॉब को तो करते ही है साइड बाय साइड वो अपनी कोई हॉबी हुआ या कोई इंटरेस्ट हुआ ऐसे भी जॉब करने लग जाते हैं नाउ दे आर डूइंग टू जॉब्स दे आर डूइंग टू जॉब्स दिन में ब्रूस वेन है और रात में बैटमैन है सो दे आर डूइंग टू जॉब्स दिस इज कॉल्ड मून दिस इज कॉल्ड मून गिग इकोनॉमी में क्या हुआ गिग इकोनॉमी में क्या हुआ कि गिग इकोनॉमी में कोविड नाइन्टीन हुआ वर्क फ्रॉम होम भी हो गया काफ़ी ज़्यादा स्पेयर टाइम भी मिल रहा है ऐसे पीपल को तो दे स्टार्टेड टेकिंग एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जाम्पल कोई स्विगी का डिलीवरी में वर्क करने लग गए कोई फ्री लांस वर्क करने लग गए बट अब बात ये आती है जैसे अभी लाइक like, विप्रो के भी स्टेटमेंट आए थे एंड दिस कि ये जो आपका प्राइमरी एम्प्लॉयर है उसके लिए क्या ये चीटिंग तो नहीं कर रहे हो आप उधर वर्क तो आपका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है कई बार पीपल कॉम्पिटिटिव फर्म्स में कर लेते हैं से आपने विप्रो भी ज्वाइन कर लिया और एच भी ज्वाइन कर लिया अब ये दोनों तो कॉम्पिटिंग आई टी कंपनीज है देन फिर इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं चैलेंजेस आ सकते हैं बट इन सर्टेन केसेस बिकॉज यू नो वर्क का नेचर चेंज हो रहा है वर्क का नेचर चेंज हो रहा है और वर्क फ्रॉम होम हो गया 5G आ रहा है तो वर्क का काम करने का तरीका बदल रहा है तो जो न्यू जेन कंपनीज भी हैं जैसे स्विगी है स्विगी अलाउ करता है कि आपको जो स्पेयर टाइम मिल रहा है यू कैन पेक एनी अदर हॉबी जॉब कुछ भी आप कर सकते हो सो so, इस तरीके से डिबेट चल रहा है फॉर नाउ इस पर अभी ओपिनियन नहीं बनाना है बिकॉज चीज़ें बहुत वोलाटाइल है अभी द आइडिया इज अगर कॉम्पिटिंग हो रहा है देन इट इज अगेंस्ट द कोड एथिक्स ऑफ दैट कंपनी बट इफ यू आर एंगेजिंग इन से सम सम लाइक योर हॉबी और सम क्रिएटिव वर्क और सम अदर पैशन यू आर वर्किंग साइमल्टेनियसली अपनी मेन कंपनी में काम करते हुए भी देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड अनएथिकल देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड अन एथिकल बट अगेन इस पे एक फॉर्मल डिबेट होकर कुछ सर्टेन लॉज क्लियरिटी आना जरूरी है तो दिस इज मून लाइटिंग दिस इज मून लाइटिंग एल सी के बारे में पढ़ा हमने एल सी एच इज रियल गुड दिस इज गेम चेंजर ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैल्टीट्यूड पे भी टेक ऑफ कर सकता है अटैक पॉसिबल है मैक्सिमम स्पीड दो किलोमीटर है 500 किलोमीटर का कॉम्बैट रेडियस है इक्कीस हजार फीट तक इसकी सर्विसबिलिटी है में ये काम करेगा और इसमें स्टेल्थ फीचर भी है जो रडार इंफ्रा सिग्नेचर्स को कम करता है देन combat सर्च एंड रेस्क्यू operations, बंकर बस्टिंग ऑपरेशन काउंटर इंसर्जेंसी जंगल अर्बन एरिया सपोर्ट ग्राउंड सब जगह ये बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकता है द is, is indigenous एज वेल well. अब बस एक ही इसमें issue है वो है हमें नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। वी नीड मोर एंड मोर नंबर ऑफ सच हेलीकॉप्टर्स और इसमें और advancements भी करें, और मॉडर्न करें रिफाइन करें। अभी 143 helicopter unit हेलीकॉप्टर यूनिट धनुष बनी है हमें ऐसे और हेलीकॉप्टर्स चाहिए होंगे सीरियल दिस मूवीज है नो योर इंग्लिश में है जैसे कि यहाँ पे लिखा है यस्टरडे ही सेव बीन यस्टरडे इवनिंग कल की बात है ओके देन वॉट्स द डिफरेंस बिट्वीन फ्रीडम एंड लिबर्टी देखो फ्रीडम इज बोथ अ क्वालिटी एंड अ कंडीशन आप स्वतंत्र हो लिबर्टी इज ओनली अ कंडीशन एक लिबर्टी एक कंडीशन है वेन यू कैन एक्ट एज यू विश विदाउट एनी रिस्ट्रेंट कोई रोक नहीं है यू हैव गॉट लिबर्टी यू आर सेट टू एंजॉय फ्रीडम तो फ्रीडम इज अ स्टेट वेर यू आर फ्री लिबर्टी इज एबसेंस ऑफ एनी रिस्ट्रेन ऑल दो इसमें बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना है ये इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होता है प्रिसीजन में देखें तो फ्रीडम इज अ स्टेट वेर यू आर फ्री यू आर फ्री लिबर्टी है मतलब आप में कोई दिस रिस्ट्रेंट नहीं है आपको किसी ने बांध के नहीं रखा है लिबर्टी ओके सो सेवरल कॉन्टेक्स्ट में ये इंटरचेंजेबल भी यूज होता है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबर्टी फ्रीडम ऑफ प्रेस लिबर्टी ऑफ द प्रेस लिबर्टी में कोई रिस्ट्रिक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्रीडम एंड लिबर्टी देन थ्रो आउट द बेबी विद द बाथ वॉटर बाथ वाटर वेन यू गिव अ बाथ टू द बेबी यू फाइनली थ्रो आउट द डर्टी बाथ वॉटर इट वुड बी ऑफ इफ यू थ्रू इट आउट द बेबी ऑल्सो अंग विद द वॉटर ऑब्वियसली बेबी को थ्रो नहीं करना है वेन यू रिजेक्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग विद द विदइम्पॉर्टेंट तब आप बोलते हो क्योंकि बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है वॉटर नॉट दैट इंपॉर्टेंट सो आप बोलोगे थ्रू आउट द बेबी विद द बाथ वाटर English is very funny language. Then this is interminable, is matlab hai tiresome long, hai, eternity, endless. Hai. Some articles have given rise to apparently interminable discussion on the internet. Okay. Then UK Home Secretary links FTA Justice Dinesh Sharma to head UAPA and despite turmoil, elections, and then this is avalanche. ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं वॉट इज दीनिंग ऑफ एवाल मीनिंग आर्मी पर्सनल अभी उत्तर काशी में एवालं आया और उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन डैमेज हो गया था आफ्टर हिटिंग बफेलो। ऑल दो ये रिपेयर हो गया है Then, कफ सीरप आ, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है एंड वॉट इज दिस दिस इज ए आई इन रोबोट और इसका नाम है व्योम मित्र व्योम मित्र स्पेस को व्योम बोलते हैं व्योम मित्र सो so, ये व्योम मित्र ह्यूमनॉइड है ह्यूमनॉइड मतलब वैसे रोबोट जो ह्यूमन की तरह दिखते हैं दिस इज ह्यूमनॉइड इसरो ने डिजाइन किया है ये अभी अनमेंड टेस्ट मिशन गगनयान होगा तो उसमें ये रोबोट प्लेन में बैठ के जाएगा तो दिस इस इज इस इसरो इसमें ब्रेन भी है रीड कंट्रोल भी है टेस्ट फ्लाइट के सारे डेटा रिकॉर्ड होगा यहाँ पर ओके देन फीमेल रोबोट है एस्ट्रोनॉट ट्वेंटी ट्वेंटी व्योम मित्र अभी हाफ ह्यूमेनॉइड है, मतलब है बस ये अपर बॉडी है अपर बॉडी है देन इसको डिजाइन किया गया है यहाँ पर और इसमें काफी इंटेलिजेंस भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी ट्रेनिंग भी चल रही है और अभी गगनयान मिशन में ये कैरी होगा सुधा नेम इज व्योम मित्र दैन दिस इज द वर्ल्ड और इंडिया एपस्टेन ऑन श्रीलंका वोट यू एन एच आर सी में स्टूडेंट रशिया दिस यू एस वॉयेंस दैन दिस इज यूक्रेन थिंग सर्विस ग्रोथ सेक्टर ग्रोथ भी स्लो हो गया है सिक्स मंथ लो में है पी एम आई ने बताया डेफिसिट है मर्सिडीज ई वी आ रहा है डाबर का मार्जिन इमे दिस इम्पैक्ट हुआ है एक्सप्रेस देखते हैं बजट रिव्यू में मैक्रोवरीज मैक्रो इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी चार डिफरेंस बताइए मैक्रो इकोनॉमी के फैक्टर्स क्या होते हैं और माइक्रो इकोनॉमी के फैक्टर्स क्या होते हैं ग्लोबल रेसेशन का थ्रेट अभी बना हुआ है देन जम्मू एंड कश्मीर पोल्स बाय नेक्स्ट समर पॉसिबल है Then, दिस इज डेस्टिनेशन उत्तराखंड इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल आफ्टर चीता जंगल सफारी पार्क में और भी प्लान्स है जैसे कि अरावली इज वेरी इंपॉर्टेंट अरावली अब अरावली में जैसे कुछ डेजिग्नेटेड जोन बनाए बिग कैट्स ला एंड टाइगर पैंथर्स जोन फॉर चीता हो एक हर पे टेरियम बनाए हरपे टेरियम का मीनिंग कैन यू टेल ये कुछ दिन पहले हमने न्यूज में देखा था हर पे टेरियम का मीनिंग रेपटाइल्स एंड एम्फीबियंस के लिए बर्ड पार्क है हर वोर है एग्जॉटिक एनिमल है अंडर वाटर नेचुरल ट्रेल टूरिज्म एंड बोटेनिकल गार्डन दिस इज रियली गुड अब देखो ये चीजें आएंगी तो ऑटोमेटिकली अरावली का कंजर्वेशन भी हो जाएगा दैट इज बाय कंजर्वेशन फॉरेस्ट का कंजर्वेशन की स्टोन की स्पीशीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आप एक कंजर्वेशन करते हो और उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है जैसे हमारे आंसर राइटिंग में वी डू वन आंसर राइटिंग एंड वी गेट सो मच ऑफ बेनिफिट मल्टीपल बेनिफिट होते हैं ये एयर क्वालिटी कंट्रोल है एंड दिस इज रशिया यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट अब सी रशिया और यूक्रेन क्राइसिस में फिर अब चीजें बदल रही है जैसे अगर आप देखो यूएस का भी अब स्टांस ये हो रहा है कि हम इतने एक्सपेंसिव वॉर में क्यों आ रहे हैं ये नेटो का प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ऑफिशियली यूक्रेन इज स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो सो so, अगेन बहुत सारी लेयर्स हैं यहाँ पे देयर आर सो मेनी लेयर्स डिफिकल्टी no है प्रोटेस्ट एंड सोलिडरिटीआई ओवर बोला जा रहा है ईसीआई ने जैसे बोला कि आप जस्टिफाई करो दिस फ्री बीज को लेस ऑफ सेवन मंथ वॉर वॉर के सबसे बड़े लेसन एक शब्द में आपको बताएं तो वॉर इज लॉस वॉर से किसी का भला नहीं होता वॉर में सब लूजर्स होते हैं सब लूजर्स होते हैं विक्ट्री नहीं होती सो so, जो पर्सन वॉर को जानता है वो कभी भी वॉर की बात नहीं करता है बिकॉज वॉर इज अगली सेकेंड थिंग वॉर जिस जगह पे होती है वो एरिया डिस्ट्रक्शन होता है वहां पे फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन में वॉर हो रहा है सबसे ज्यादा प्राइस किसने पे किया यूक्रेन ने पे किया ये जो यूरोप है नेटो है दिस इज थर्ड पार्टी रशिया में भी वॉर नहीं हो रही है जहाँ वॉर हो रही है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन उस थिएटर में होता है देन दिस इज दे और टू जॉन्ट्स फाइड एंड देन जो डिफिकल्टी आती है वो कंट्री को आता है तो देट इज़ वाई वन कंट्री हैज टू बी रियली रियली लाइक मेच्योर ऑन दिस दिस इज सुपर ऐप सुपर एप अब क्या है जैसे भी टाटा न्यू करके एक ऐप आया था और अगेन मैंने मिस्टर दिस एलॉन मस्क का भी बताया था द काइंड जिस तरीके से ट्विटर डील होने वाला है इस चीज को हमने बहुत पहले ही प्रडिक्ट कर लिया था इसमें भी बहुत सारी लेयर्स है अब सी पहले ये डील ऑन था फिर ऑफ हो गया फिर ऑन हो गया फिर बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बॉट्स है बॉट्स मतलब दे आर नॉट रियल पीपल दे आर नॉट रियल पीपल फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब में भी एट टाइम्स वी सी ना तो प्रोफाइल पे करेक्ट है ना नेम करेक्ट है ना एनी थिंग दे आर जस्ट एनोनिमस फेक आई डी एंड फेक आई डी के पीछे दे डू ऑल टाइप ऑफ थिंग्स सो द पॉइंट इज उसमें क्या उस आई डी से जो भी बातें हैं उसको आप क्या सीरियसली ले सकते हैं उस बातों को सिंसियरली ले सकते हैं नो बिकॉज दैट इज अ फेक आई डी पॉसिबली वो बॉट आई डी भी हो सकती है द पॉइंट इज ट्विटर में भी इस टाइप के चीज़ें एट टाइम्स देखने को मिली है इससे क्या नंबर्स बढ़ते हैं नंबर्स बढ़ते हैं सो यू कैन से यू हैव दीज मेनी नंबर्स दिस एंड दैट बट वॉट इज द यूटिलिटी ऑफ दोज नंबर इफ़ दो नंबर्स आर नॉट लाइक रियल पीपल रियल पीपल रियल ऑडियंस नहीं है यही चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वॉट वी ऑलवेज ट्राइड कि नंबर्स हमारे जो रियल एस्पायरेंट्स हैं रियल दीज प्रिपरेशन स्टूडेंट्स एटसेट्रा वी हैव टू रीच आउट टू दो पीपल दिस इज अवर प्रायोरिटी नॉट जस्ट कि हम नंबर्स को इन्फ्लेट करते जाएँ दैट्स वॉट ओके सो ये चीज़ ट्विटर में भी है ट्विटर में भी है तो इसके कारण ये डील कैंसल हो गया बट फिर डील फिर ऑन हो गया और अब ये रीजन दिया जा रहा है कि बाइंग ट्विटर इज एन एक्सलर टू क्रिएटिंग एक्स द एवरीथिंग ऐप तो ये एक सुपर ऐप बनेगा सुपर ऐप मतलब एक ही एप में बहुत सारी सर्विसेज आपको एक सिंगल एप के थ्रू मिल जाएगा ऐसा एक सवाल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक ऐसा ऐप बनाया था जिसमें एक ही ऐप से डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज आप एक सिंगल ऐप से एक्सेस कर सकते हो कैन यू टेल द नेम ऑफ दैट ऐप एक एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उस एक ऐप से मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज एक वन स्टैंड वन प्लेटफॉर्म है वन पॉइंट सोर्स है सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स है वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं जैसे टाटा का भी एक न्यू है इस उन्होंने भी ये ट्राई किया तो वर्ड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन की एक सिंगल वन ऑल इन वन ऐप है उससे आप सारे काम कर सकते देन दिस सकतेचर से बी ब्रिक वर्क दिस इज अपनल मोनिटाइजेशन पाइप लाइन सरकार के पास बहुत सारे एसेट्स हैं जो आइडल पड़े हुए हैं उसको हम क्यों ना रेंट पे दें मोनिटाइज करें चीजों को रोड्स रेलवे टेलीकॉम गैस पावर जनरेशन पोर्ट वेयर हाउस स्टेडियम एयरपोर्ट माइनिंग अर्बन रियल एस्टेट यहाँ मोनिटाइजेशन की बात है करीब सत्तानवे हजार नाइन सेवन थाउजेंड करोड़ का ये प्रोजेक्ट हो सकता है गूगल ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए इस बार काफी दिस इंडिया में भी लॉन्च हुआ है ये दोनों गूगल पिक्सल स्मार्टफोन काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आए सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस ओके और अभी आज हम लक्ष्मीकांत आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर वी विल ट्राई टू कंप्लीट और जो टेस्ट है आपका वो टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे नाउ लेट एस कम टू दिस आंसर सबमिशन देखो पहला था इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन तो इंडिया अफगान रिलेशन आपको अच्छे से तैयार करना था दैट्स ऑल इस एक सिंपल क्वेश्चन से आपने मल्टीपल एस्पेक्ट्स कवर कर लिए आई आर के सेकेंड जितने भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड लॉज एंड रूल्स हैं उन पर एक नोट बनाना था ये तरीका अच्छा होता है इससे क्या होता है इससे ये होता है कि आपने एक एक आंसर राइटिंग किया लिखने का प्रैक्टिस भी हो गया और साथ ही साथ आपने बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली कवर कर ली दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड इसी तरीके से आंसर राइटिंग होना चाहिए देखो कितने अच्छे सबमिशन है जैसे आशा की कॉपी आप देखो यहां पूरे वाइल्ड लाइफ एक्ट इन्होंने यहां पे कवर कर लिए 72 के बारे में बताया नेशनल पार्क हो गया रिजर्व हो गए 2006 एक्ट तो पावर इज गॉन एनी वे लेट कॉन्टिन्यू सो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है है ना इस तरीके से कंजर्वेशन एक्ट बताया प्रोटेक्शन एक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाइल्ड लाइफ प्लान ये सारी चीजें यहाँ पे बताई फेंटेस्टिक और यही हमें करना था सारी चीजों को स्टैंड अलोन एक जगह पे कंसोलिडेट करना था अब इससे रिलेटेड कोई मिलता जुलता सवाल आएगा अब बहुत इजीली उसको टेकल कर पाओगे सेकंड इंडिया अफगानिस्तान होगा इंडिया अफगानिस्तान में भी हमने जियो स्ट्रेट मैप सबसे शुरुआत में मैप आना चाहिए डायग्राम आना चाहिए पाकिस्तान मेजर प्रोजेक्ट वेरी गुड ह्यूमैनिटेरियन पांच पिलर वेरी इंपॉर्टेंट सीधा स्टाइल दिस इज रियली गुड कमर्शियल वेरी नाइस ये सारी बातें लिखा पीस अफगान टॉक और लेटेस्ट क्या डिफिकल्टीज हो रही है वो भी बताया शुभम इज़ बैक वेरी गुड सो दिस इज़ इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन अगेन एक्सेलेंट आंसर्स होते हैं शुभम के भी प्रोसीजन बहुत अच्छा होता है इसमें नोट्स जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा होता है एंड कंसिस्टेंसी अगेन वेरी नाइस बायोट्रल सी कितनी सारी थीम्स टच किया यहाँ पे रोल क्या होगा अफगानिस्तान फॉरवर्ड फेंटेस्टिक वेरी गुड वाइल्ड लाइफ एक्ट सेवेंटी टू बताया फॉरेस्ट एक्ट देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इससे में भी सवाल आएगा इससे मेन्स में भी सवाल आएगा फेंटेस्टिंग अब देखो शगुफ्ता ने कितना अच्छे से मैप बनाया ऐसा ही हमें करना था मैप बनाना बहुत जरूरी होता है दिस इज रियली गुड अब सी आपने यहाँ पे तालिबान का पॉइंट रखा डेवलप्ड कोऑपरेशन और कंसर्न्स भी है हमारे और वे फॉरवर्ड क्या है ऑप्टिमिस्टिक है ह्यूमैनिटेरियन एंगल ने भी बहुत अच्छे से लिखा constitutional provisions. अब see, देखो ये नया इज बैक सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फोर्टी एट ए फोर्टी सेकेंड सी शेड्यूल थ्री फोर सारी चीजें लिख दी यहाँ पे फैंटेस्टिक ये बहुत अच्छी कॉपी है बहुत बहुत अच्छी कॉपी है फैंटेस्टिक शगुफता दिस इज अगेन गुड वाइल्ड लाइफ लॉज सारे बताए एक्ट्स क्या हैं इसको और एलैबोरेट करो और एक्ट्स लिखो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह सब कंपाइल करो पूजा दिस इज गुड वाइल्ड लाइफ अब देखना इसी से आपका प्रिलम्स में भी सवाल आ जाएगा सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी हाई एल्डिंग एक्सरसाइज वाइल्ड लाइफ प्लान है वेरी गुड वे फॉरवर्ड वेरी गुड पूजा दिस इज रियली गुड शुभांगी शुभांगी के आंसर्स भी देखो कितने एक्सटेंसिव होते हैं कंटेंट रिच होता है कंटेंट हैवी भी रहते हैं गुड सारा बॉर्न वन से लेके सारे लॉज यहाँ पे कंपाइल कर करिए अब पता है यही चीज आपसे में पूछी जाएगी और यू आर गोइंग टू डू रियली रियली गुड वेरी गुड वाइल्ड लाइफ दिस इज गुड वाइल्ड लाइफ एक्ट के बारे में बताया और जब भी ऐसा होना डायग्राम होना जरूरी है आई आर में डायग्राम होना जरूरी है वाइल्ड लाइफ लॉज बताया आपने गुड तो ये शॉर्ट कंसाइज नोट्स भी बन गए आपके और आंसर राइटिंग भी हो गया लिखने की प्रैक्टिस भी हो गई फैंटेस्टिक रत्ना प्रिया दिस इज गुड यस यहाँ पे 176 सेवेंटी सिक्स अराउंड किलोमीटर का बॉर्डर शेयर है अफगानिस्तान से देन दिस इज गुड रिसेंट इनिशियटिव बताए फेंटेस्टिक कोई बात नहीं समीर आपने आंसर लिखा है ऑलरेडी आप बेहतर हो बाकी सबसे बेहतर हो जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना वो 99 परसेंट स्टूडेंट से बेटर है इस एग्जाम में मैं देखता हूँ बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स आते हैं बहुत हाई पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स आते हैं बट दे ऑल डू वॉट दे ऑल डू इज दे लाइक टॉक टॉक प्लान टॉक प्लान बड़ी बड़ी बातें करा लो बस बट जब एक्चुअल में लिखने की बात आती है टेस्ट लगाने की बात आती है दे स्टार्ट फॉलोइंगहाइट और फिर वो डिफरेंस क्रिएट करता है बहुत ज्यादा सो द आइडिया इज अगर आप एक्शन कर रहे हो अनाउंस ऑफ प्रैक्टिस एनी डे बेटर है बहुत ज्यादा थ्यूरी थ्यूरी नहीं प्रैक्टिस लिखो दिस इज गुड वेरी गुड ओके आप आंसर लिख रहे हो लिखो इसको पूरा कंप्लीट भी करो नो इश्यूज एट ऑल बंगाली में लिखना है बंगाली में लिखना है बट लिखना जरूरी है दिस इज रियली गुड देखो वन्य जीव कितनी अच्छी कॉपी हो गई आप पिछले कुछ पुरानी कॉपी देखो और ये कॉपी देखो आपको क्लियर डिफरेंस नजर आएगा और ये डिफरेंस सस्टेन भी है और ये खुद आपने किया है तो इट इज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर एज वेल वेरी गुड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वेरी गुड वेरी नाइस भारत अफगानिस्तान के बारे में भी बताया मैप बनाओ मैप बहुत जरूरी होता है नंदिनी दिस इज गुड वाइल्ड लाइफ के बारे में आप भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हो इन सब को कंसॉलिडेट करो आपको बहुत फायदा होगा ये जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना स्टूडेंट्स शुरुआत में बहुत सारी चीजें देखते हैं अभी जैसे जैसे एग्जाम अभी पास आने दो अभी आपको देखना यू विल रियलाइज जो मैं इतना समझाता हूँ अफगानिस्तान का यहाँ पे आपने लिखा वेरी गुड सी डायग्राम होना चाहिए राम नरेश सो कंसिस्टेंट वेरी गुड डायग्राम इन द बिगनिंग वेरी बिगनिंग सारे पॉइंट्स लिखे हैं वेरी गुड बहुत अच्छी कॉपी है आरती नो दिस इज गुड डायग्राम इज देयर करंट सिनेरियो तो आईआर हमेशा मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे लिखते हैं हिस्टोरिकल बैगेजेस जरूरी नहीं है इसलिए मैं आईआर की आपको किताबें पढ़ने को भी नहीं बोलता कोई यूटिलिटी नहीं है आज की डेट में जो चल रहा है वही आई है बस देन दिस इज गुड अब देखो ये कितना अच्छा स्टाइल है कीर्ति का फेंटेस्टिक वेरी गुड बाउंड्रीज बताया आपने गुड तो वाई कंट यू कैन ऑल्सो डू दिस यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस लर्न एक दूसरे से सीखो अच्छी अच्छी चीज़ें देन हरजिंदर दिस इज़ गुड कॉन्स्टिट्यूशन वेरी गुड

सारे प्रोजेक्ट्स बताओ अगर आपको जैसे आई भी बताना है देलाराम राम जरंज हाईवे भी बताना है तो उसको ग्वादर से बनाओ मैप इज जरूरी देन डायस्पोरा वेरी देन दिस इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया लीगल फ्रेमवर्क वेरी नाइस nice. 1998 एट और इलेबोरेट करना नई चीजें ऐड करना देखो अमरजीत ने डायग्राम बनाया वेरी गुड कॉपी देन इसको और, और एक्सप्लेन करो यहां से ग्वादर से कैसे जा सकते हैं डिफिकल्टी क्या आ रहा है आई क्या आ रहा है थिंक लाइक दैट वेरी गुड चुनौतियां बताया गुड वेरी नाइस अर्चना दिस इज अब देखो अर्चना ने कितना अच्छा कंसोलिडेशन कर दिया ये फैंटेस्टिक यही चाहिए था हमें वेरी नाइस वन बाय वन सारी बातें लिखी गुड वेरी गुड बहुत अच्छी कॉपी है एंड यू आर वर्किंग रियली रियली हार्ड इसको कंटिन्यू करना है कंसोलिडेट करना है बहुत डिटेल में बनाया है फैंटेस्टिक शेड्यूल्स भी हैं है Fantastic. अब देखो सुंदर ने कितना अच्छा डायग्राम बनाया दिस इज रियली गुड सुंदर इसको कॉन्टिन्यू करना वेरी नाइस nice. दैन दिस इज़ इंडिया अफगानिस्तान वेरी गुड दैन रूहानी ने भी आंसर लिखा है इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशन अलग अलग हैडर्स में बताया पॉलिटिकल क्या है कमर्शल क्या है कल्चरल क्या है बट वेर इज़ द डायग्राम डायग्राम होना ज़रूरी है दैन ट्रेनिंग ह्यूमैनिटेरियन वेरी गुड वेरी नाइस वाइल्ड लाइफ लॉज बताया आपने सारे लॉज वन बाय वन कंपाइल किए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे सवाल अभी आएगा दमन दमन भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है दिस इज गुड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में समझाया फैंटेस्टिक सी नेशनल वाइल्ड लाइफ अब इन चीजों को याद भी करना है समीर दिस इज अगेन गुड वेरी गुड मैप है एक्सिलेंट वेरी नाइस सी सारे पॉइंट्स भी लिखते हैं यहाँ पे गुड दीपाली दीपाली की कॉपी भी बहुत अच्छी होती है शी इज वेरी हार्ड वर्किंग कितना अच्छे से सारी चीजें बताया देखो ये दिस हंड्रेड एंड सिक्स किलोमीटर बॉर्डर वेरी गुड See, सारे पॉइंट्स बताया क्रोनोलॉजी बताया गुड अब ये विजुअल्स प्रेजेंटेशन सबको सब, सब चीज आती है बट वो स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिलेंगे जो अंडर प्रेशर एग्जाम टाइम पे जो चीज आता है उसको अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ रिप्रोड्यूस कर पाए कॉपी में इट ड मैटर आपको कितना आता है हाउ मच क्वालिफाइड यू आर हाउ मच नॉलेज यू हैव एटसेट्रा व्हाट मैटर्स इज इस ए फोर साइज के पेपर में आपने कैसा परफॉर्म किया दैट्स ऑल सो ये है सब के, सब सीखे कितना अच्छे से यहाँ पे लिखा है वेरी गुड दीपिका इसको कॉन्टिन्यू करना है यहाँ पे दिस इज वेरी गुड दीपाली

कॉपी के पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं स्ट्रक्चर्ड बहुत अच्छा है वेरी गुड नेहा दिस इज अगेन रियली गुड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड सब कंपाइलेशन करना था अब ये सब फाइल करते चलिए आपको इतना आसान हो जाएगा जैसे एग्जाम आएगा बस पन्ने पलटाने सारा टॉपिक प्रिपेयर्ड रहेगा ये बहुत अच्छे से आपने डायग्राम बनाया गुड अब एंशियन अब एंशियन से स्टार्ट किया सी दिस इज रियली गुड दिस कांधार एटसेट्रा तक्षशिला यूनिवर्सिटी वेरी गुड धर्मेश पीस डिविडेंड बताया सी पीस के अपने फायदे होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का एक स्पीच आया था कि शांति पीस रहने से बहुत फायदे होते हैं टाइम्स बहुत बेनिफिट करता है वो पीस डिविडेंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं सो दैट इज वाई वॉर इज़ नॉट गुड वॉर इज नॉट गुड कोई भी इंटेलिजेंट कम्युनिटी इंटेलिजेंट दिस कंट्री वॉर को कभी भी सीख नहीं करती है दिस इज गुड वेरी गुड सो so, ये सारे सबमिशन है इसी तरीके से कंटिन्यू करना है आपको ऑलराइट सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ